हेलो गाइस, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि लैंडस्लाइड्स और इतना रेनफॉल होने के बाद कसौली आ सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल आ सकते हैं, खुले में आ सकते हैं, चौड़े होकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर और हालात बिल्कुल ठीक है। कसौली चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी शहर है जो भीड़ भाड़ वाली दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। देवदार के सुंदर जंगलों के बीच स्थित कसौली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। चलो अब बात कर लेते हैं कसौली के इतिहास के बारे में। बता दें, कसौली का इतिहास 17वीं शताब्दी के समय शुरू हो गया था, जब हरियाणा के राजपूत परिवारों ने प्रचलित राजनीतिक परिस्थितियों के चलते कसूल नामक जगह पे जाने का फैसला किया। वैसे कसूल का मतलब होता है वो जगह जहां मीठे पानी का झरना हो। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस जगह को देखा, इसकी खूबसूरती देखी, तो उनका दिमाग खराब हो गया और स्थानीय राणा से इसे खरीद लिया, तो उन्होंने इसके चारों ओर हिल स्टेशन विकसित कर दिया। कसौली आज भी बहुत प्राचीन सुंदरता और यहाँ के आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। कसौली एंटर करते ही सबसे पहली जो जगह आपको देखने के लिए मिलती है वो है क्राइस्ट चर्च। इस चर्च को 1853 में अंग्रेजों ने बनाया था, जो कि बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्चर है, उनके द्वारा बनाया गया। यहाँ पर पहुंचकर लोग बहुत ही शांति फील करते हैं। दूसरी जो जगह आप कसौली में घूम सकते हैं वो है माल रोड। माल रोड कसौली का बाजार है, जहाँ पर हर तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट। अगर आप किसी भी तरह की खरीदारी करना चाहते हैं, हर तरह की चीजें कसौली में मिल जाएंगी। बाजार एंटर करते ही जो सबसे खूबसूरत दुकान आपको देखने के लिए मिलेगी वो है वुडन हैंडमेड एंटीक पीसेस की। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेबल लैंप्स, बर्ड हाउसेस और बहुत सुंदर सुंदर हैंडमेड क्राफ्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि भैया ने अपने हाथों से खुद बनाए। कसौली के माल रोड पे आपको खाने पीने की दुकानें भर भर के मिलेंगी। यहाँ ऐसी ऐसी दुकानें हैं जो तो बहुत ही पुरानी है, जैसे की 1976 की ये आप दुकान देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो आपको खाने को मिल जाएंगे, समोसा, टिक्की, बन बर्गर, और आपको चाइनीज फूड के लिए भी नई दुकानें मिल जाएंगी, बेकरीज मिल जाएंगे जहाँ पे आप पेस्ट्रीज, केक्स, जो आप खाना चाहो। तीसरी जो सबसे खूबसूरत जगह कसौली में देखने के लिए है वो है देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ सनसेट पॉइंट। यकीन मानिए, इस जगह पर पहुंच के आपको बहुत ही शांति फील होने वाली है। इस जगह से आपका जाने का भी दिल नहीं करेगा, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि जिस दिन हम गए तो धुंध थी, मॉनसून था, इसलिए हमें सनसेट पॉइंट पे सनसेट नहीं देखने को मिला। चौथी जो सबसे मशहूर जगह है कसौली में देखने के लिए वो है मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट कसौली का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां पर लोग सिर्फ एयरफोर्स की परमिशन के साथ ही जा सकते हैं। कहा जाता है जब हनुमान जी घायल लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर श्रीलंका की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में इस जगह पर हनुमान जी ने अपना पैर रखा था। इस जगह की खास बात यही है कि इस पहाड़ी की चोटी बिल्कुल पैर के आकार में है। अब बात करते हैं कसौली आने का बेस्ट टाइम कौन सा है। वैसे तो आप कभी भी कसौली आ जाए तो आपको ठंडा ही फील होगा। जो मेरा नजरिया है, मॉनसून सबसे खूबसूरत टाइम होता है किसी भी हिल स्टेशन को ट्रेवल करने का, क्योंकि नेचर इस टाइम अपने पूरे पीक में है। अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है, मेरे ख्याल से वो पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए, माउंटेन्स में घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि कभी भी बारिश का माहौल बन जाता है, कभी भी फॉग हो जाती है, और इस टाइम पे नेचर अपने पीक पे होता है, ब्यूटी अपने पीक पे होती है माउंटेन्स की। अब बात करते हैं कि यहाँ 2023 लैंडस्लाइड के बाद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मेरा जवाब है हाँ। हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सारी चीजों को मेंटेन करा है, कोई भी खतरा नहीं है, रोड्स बिल्कुल ठीक है, लोग दोबारा हिल स्टेशन आना शुरू कर चुके हैं। मैंने मार्केट में देखा कि लोग बहुत खुश हैं दोबारा हिल स्टेशंस पे आना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोग एंजॉय करते हैं। अगर आप लोग यहाँ आना एंजॉय करते हो तो एक चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा, आप हिमाचल हिल स्टेशन या उत्तराखंड हिल स्टेशन जो भी हैं उनका ध्यान भी रखो, उसको साफ रखो, कोशिश करो कि हम वातावरण को, एनवायरनमेंट को ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना करें, तभी हम लोग बार बार यहाँ आ सकते हैं। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये हिमाचल और उत्तराखंड भी खत्म हो जाएगा। हमारे देश के हर स्टेट के लोगों को
हिल स्टेशन में जाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो अपनी रोजाना जिंदगी से थक जाते हैं तो वो हिल स्टेशन की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं हिल स्टेशन में अपनी टेंशन खत्म करने के लिए। जब भी कोई घटना घटित होती है, कोई लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो लोग मायूस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, तो लोग दोबारा हिल स्टेशन पे विजिट करते हैं। जब भी आप लोगों को हिल स्टेशन पे घूमते हुए देखेंगे तो उनके फेस पे एक अलग तरह की स्माइल होगी, खुशी होगी, क्योंकि यहाँ आकर लोग बहुत संतुष्ट और बहुत शांति फील करते हैं, खुश फील करते हैं अपने परिवार के साथ। सिर्फ गवर्नमेंट की ये ड्यूटी नहीं है कि वो हमारे पर्यटक स्थलों को संभाल के रखे, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम गंद ना डालें। जो हमारी ड्यूटीज हैं हमें भी निभानी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।